हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त रावित गुप्ता लेके आया हूं नई वीडियो आपके लिए। सो गाइस, इस वीडियो में आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हम कार चलाना सीखेंगे कि हम कार कैसे चला सकते हैं। जो नए लोग होते हैं जो सीखना चाहते हैं कार, कि हम कार कैसे चलाएं कम टाइम में। तो गाइस, आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले चलो हम कार की एक वॉक अराउंड लेते हैं। इससे पहले क्या होगा, अगर कार की हम वॉक अराउंड लेंगे तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा कि हम कार को जजमेंट कर पाएंगे कि कार कितनी बड़ी है, कितना साइज़ है, क्या चौड़ा है। तो ये हम कार की जजमेंट करते हैं सबसे पहले कि कार का बोनट कितना बड़ा है। आप देख सकते हो कार का बोनट इतना लंबा है। तो हमें एक जजमेंट बनानी पड़ती है अंदर से बैठने के बाद कि कार कितनी लंबी है। तो गाइस, ये साइड का व्यू है, आप साइड से भी देख सकते हो। अब पीछे चलते हैं, पीछे से भी देख लेते हैं एक बार कार को। तो गाइस, इस लेंथ की हमारी कार रहने वाली है। तो गाइस, हमने कार को जजमेंट कर लिया। उसके बाद एक बार हम कार के नीचे भी झुक के देख लेते हैं कि कार के नीचे कोई एनिमल्स वगैरह तो नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हमारे कार के नीचे एनिमल्स बैठे होते हैं, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। तो गाइस, एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर हम कार को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस चीज़ को पूरा नोटिस कर लें कि कार के नीचे कोई चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी जीव जंतु तो नहीं है जिनके हमारे चलते डेथ हो जाए। तो गाइस, सो गाइस, वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गेट खोलते हैं, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। अंदर की मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ये हमारा स्टेयरिंग है, आप देख सकते हो ये स्टेयरिंग है, और ये हमारा क्लच है, ये हमारा ब्रेक है, ये हमारा एक्सीलेटर है। ए बी सी, ये थ्योरी होती है कार चलाते टाइम, ये काफ़ी यूज़फुल है, लोग ज़्यादातर इसी सब चीज़ों से चलाए जाते हैं कार। ये हमारा एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है हमारा, ये हमारा क्लच है। तो गाइस, ऐसा रहता हमारा ए बी सी। उसके बाद ये हमारी स्टेयरिंग है, आगे से बोनट कुछ ऐसा दिखता है हमारा, देख सकते हो अंदर से बैठने के बाद कैसा दिखता है बोनट। एक अंदाज़ा बनाना पड़ता है कार का बोनट का कि कितना लंबा है, उसके बाद उसी हिसाब से हमें ड्राइव करनी पड़ती है। तो गाइस, ये की है कार की, ये एक रिमोट की है जो इस कार में लगती नहीं है, बट यहाँ पर बटन से स्टार्ट होती है इस कार में, ये पुश स्टार्ट बटन है। तो गाइस, हम सबसे पहले कार के अंदर बैठ जाते हैं, हम दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं कार को कैसे चलाएं कम टाइम में। सबसे पहले हम गाइस, आप इस मिरर को ज़रूर सेट कर ले अपने अकॉर्डिंग टू जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। और ये वाले जो साइड मिरर है, ये हमेशा सेट रहने चाहिए, इधर के भी और हमारे लेफ्ट हैंड के भी। 1, 2, 3, ये तीनों मिरर हमेशा सेट रहने चाहिए कि ताकि जब भी हम ड्राइव करते हैं इन तीनों शीशों पर हमारी नज़र हमेशा रहनी चाहिए। सो गाइस, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा गियर के बारे में, गियर कैसे लगाते हैं इस कार में। तो देख सकते हो गाइस, इस कार में आपको गियर मिलते हैं 5 स्पीड गियर बॉक्स है ये। ये आपको 1 मिलेगा, इधर 2, 3, 4, 5, इसमें 5 गियर होते हैं। तो गाइस, लगाते कैसे गियर हैं, और एक रिवर्स मिलेगा आपको जो कि इधर करके लगता है। तो गाइस, कुछ गाड़ी में रिवर्स ऐसे लगता है, ये लीवर को उठा के, आप नीचे देख सकते हो ये लीवर होता है, ये देख सकते हो आप, ये लीवर है, इसको ऊपर करना पड़ता है फिर आपका रिवर्स लगेगा, और आपको न्यूट्रल करना है तो ईजिली यहाँ से ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा। तो गाइस, हम पहला गियर लगाना सीखते हैं। तो गाइस, हमें कुछ नहीं करना है, ये बीच में रहेगा। अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इसको लेफ्ट करो और एक बार राइट करो। अगर आपकी दोनों चीज़ इजीली हो रही है, जैसे मैं करके देख रहा हूँ, अगर ये एकदम बराबर हो रहा है तो आप समझ लेना हमारी गाड़ी न्यूट्रल है, जैसे मैं कर रहा हूँ आप देख रहे हो। उसके बाद हम डालेंगे उसमें फर्स्ट गियर। तो गाइस, सबसे फर्स्ट गियर डालने का तरीका हमारा ये होता है, हमने इसको इधर किया, जैसे हम चेक करते हैं न्यूट्रल के लिए, हमें इसे लेफ़्ट साइड करना है, और लेफ्ट साइड करते ही हमें आगे की तरफ कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट गियर लग जाता है गाइस। उसके बाद अगर हमें अपना सेकंड गियर डालना है, तो जहाँ पर हमने फर्स्ट गियर करा है, पहले तो या तो न्यूट्रल ले आओ, उसके बाद फिर लेफ्ट करो, और फिर हमें डाउन शिफ्ट करना है, जैसे हम फर्स्ट की तरफ आगे के लिए करते हैं वैसे ही हमें न्यूट्रल करके लेफ्ट दबा के और डाउन शिफ्ट करना है। तो ये हमारा सेकंड गियर लग जाता है। उसके बाद हम गाइस करते हैं थर्ड गियर कैसे लगाते हैं, उसका तरीका भी वही है, पहले न्यूट्रल करो, ये न्यूट्रल हो गई आप देख सकते हो। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें लेफ्ट नहीं ले जाना इस बार, हमें
सीधा ही आगे ऐसे धकेल देना है, आगे की तरफ मूवमेंट देनी है इसको। ये हमारा थर्ड गियर हो गया। और अगर हमें फोर्थ गियर डालना है तो इजिली जहाँ थर्ड गियर डाला है इसको ऐसे ऐसे करते हुए पीछे ले आओ। आप फिर से देख सकते हो हमने थर्ड गियर डाला, उसके बाद हमने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल से हमें पीछे कर देना है। आप मेरे हाथों का इशारा देखो कि मैं कैसा कर रहा हूँ। उसके बाद हम करते हैं फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर कैसे डालेंगे, ये फिफ्थ गियर का साइन दिखा रहा है, ये राइट की तरफ होगा। आप इसे राइट की तरफ करो, उसके बाद आगे कर दो। जैसे हम पहला गियर डालते हैं लेफ्ट करते हैं, उसके बाद हम पहला गियर डालते हैं, उसी तरीके से हमें फिफ्थ गियर डालना है। पहले राइट करो, उसके बाद हमें आगे धकेल देना है। तो ये हमारे गियर लगते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। देख सकते हो आप इसमें साइन भी बन रखे हैं कि आपको कैसे गियर डालना है। इजिली आप देख सकते हो, फर्स्ट रिवर्स के लिए इधर से इधर करके आपको डालना है, फर्स्ट के लिए आपको इधर से इधर करके डालना है, सेकंड के लिए नीचे जाएगा, थर्ड के लिए ऊपर जाएगा, फिफ्थ फोर्थ के लिए नीचे आएगा और फिफ्थ के लिए ऊपर जाएगा। तो ये आपको साइन भी दे रखे हैं, आप इजिली यहाँ से भी समझ सकते हो। अब गाइज हम बात करते हैं रिवर्स गियर कैसे डालें। तो गाइज रिवर्स के लिए एक लीवर है, ये कुछ गाड़ियों में लीवर ऐसे मिलता है, इसको ऊपर करना पड़ता है, तब जहाँ हमारा पहला गियर डलता है वहीं पर हमें लगाना पड़ता है, बट इसको उठा के फिर हमें डालना पड़ता है। तो ये हमारा रिवर्स लग गया। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, इसको ऊपर उठाओ और जहाँ हम पहला गियर डालते थे वहीं पर ऐसे शिफ्ट कर देना है। तो गाइज आप देख सकते हो, मैं फिर से दिखाता हूँ, ऊपर किया, इसको पकड़ा, लेफ्ट किया और आगे की तरफ कर दिया। तो गाइज हमारा रिवर्स लग गया। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, रिवर्स ऐसे आता है, हमें जहाँ फिफ्थ गियर लगता है वहीं पर ऐसा बैक करना होता है। इस गाड़ी में रिवर्स इधर की तरफ नहीं लगता है, इस गाड़ी का रिवर्स इधर लगता है। कुछ गाड़ियों में इधर की तरफ बैक करोगे, जैसे हम सेकंड गियर डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पर रिवर्स गियर डलता है। कुछ गाड़ियों में, मारुति की गाड़ियों में ऐसे करके डलता है, फॉक्स वैगन की पोलो है जो उनमें भी ऐसी दबा के लगता है, i20 में भी ऐसी प्रेस करके लगता है। कुछ कुछ गाड़ियों का अलग सिस्टम है, कुछ गाड़ियों में यहाँ बटन होता है, कुछ गाड़ियों में ये लीवर होता है, सब गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है। तो गाइज़ ये तो हमारी होगी गियर के बारे में। तो गाइज़ अब देखते हैं हम, ये क्लच है हमारा, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। तो गाइज सबसे पहले हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये आपको बटन प्रेस करना है। ये टॉप मॉडल है इसलिए आपको इसमें पुश स्टार्ट बटन मिलता है, ये वाला फीचर मिलता है, और कुछ गाड़ियों में फिजिकल की मिलती है, उसको आपको यहाँ डालना होता है इसके अंदर। तो इसमें आपको बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस करने से पहले, सबसे पहले जब भी आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो आपको हमेशा क्लच ज़रूर प्रेस करना है, ज़रूर प्रेस करना है। अगर आप क्लच प्रेस नहीं करोगे, बाय चांस हमारी कार गियर में खड़ी है और हम गाड़ी में बटन दबा देते हैं या चाबी ही ऑन कर देते हैं, इधर से ऑन करते हैं, तो गाड़ी हमारी अचानक से आगे की तरफ भागने लगेगी, मतलब उछल जाएगी इस तरीके से। और हमें हमेशा ज़रूर हैंड ब्रेक लगा के ही स्टार्ट करना चाहिए, ताकि कुछ भी कुछ ऐसी दिक्कत हो तो गाड़ी ब्रेक पहले से लगाओ। वैसे भी हमें क्लच और ब्रेक ये दोनों प्रेस करना चाहिए, जब भी गाड़ी सीख रहे हो या चला रहे हो स्टार्टिंग में, तो हमें दोनों चीज़ें प्रेस करनी ही पड़ती है। ब्रेक को भी फुल प्रेस करो और क्लच को भी लास्ट तक ले जाओ, जैसे मैं ले जा रहा हूँ आप देख सकते हो। उसके बाद हम गाइस न्यूट्रल, हमेशा गाड़ी न्यूट्रल में स्टार्ट करो। अगर आपको कार चलाना आता है तो आप इजिली कोई से भी गियर में भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो नए लोग हैं उनके लिए गाड़ी हमेशा न्यूट्रल में रहनी चाहिए। इसके बाद हम इसको बटन प्रेस करेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी हमारी इजिली। आप देख सकते हो गाड़ी इजिली स्टार्ट हो गई हमारी। ये हमारा न्यूट्रल हो रखा है, ये हमारा हैंड ब्रेक है। जब भी आप हैंड ब्रेक डाउन करें हमेशा इस बटन को प्रेस कर कर ही डाउन करें। ये हैंड ब्रेक है, आप इसको हमेशा प्रेस कर कर ही नीचे करें। आप देख सकते हो ये बटन है, इसको प्रेस करो, ऊपर करो और प्रेस करो, नीचे करो। ये हमारा ये हैंड ब्रेक का ऐसे यूज़ करते हैं। अगर हम आप इजिली ऐसे भी खींच सकते हैं, इस बटन को प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप प्रेस करके ऊपर खींचोगे तो उससे यहाँ की जो अंदर की जो गरारीस होती हैं वो जल्दी घिसती नहीं है। तो अगर आप इसे बटन दबा कर ही नीचे डाउन करो और बटन दबा के ही ऊपर करो, जिससे एक तो ये क्या होता है, एक तो देखो जैसे मैंने बटन दबा के ऊपर किया आपको कोई भी साउंड महसूस नहीं हुआ। अब मैं आप इसको बिना बटन दबा के करता हूँ, आप देखना एक आवाज़ सी क्रिएट होती है जो काफ़ी अच्छी भी नहीं लगती और सुनने में भी ठीक नहीं लगता, इसलिए आप बटन प्रेस करके हमेशा अप डाउन करना चाहिए। तो गाइज अब देखते हैं हमारा मीटर है कुछ ऐसा। आप गाइज देख सकते हो ये हमारा RPM का मीटर है। देखो मैं रेव करता हूँ, ये आपको RPM बताएगा। ये हमारा डिजिटल मीटर है, आप देख सकते हो अभी ज़ीरो है। तो गाइज ये हमारा मीटर रहता है कितने की स्पीड में चल रही है, और ये हमारा RPM रहता है। तो गाइज सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट गियर डालते हैं। तो गाइज फर्स्ट गियर के लिए वही तरीका है,
सबसे पहले लेफ्ट करो और उसके बाद आगे धक्का मार दो या आगे की तरफ पुश कर दो। ये हमारा फर्स्ट गियर डल गया। क्लच हमारा हमेशा प्रेस रहना चाहिए, ब्रेक पे भी पैर रहना चाहिए, उसके बाद हैंड ब्रेक डाउन रहना चाहिए। डाउन है, ये ऊपर हो गया, ये डाउन है, ठीक है। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो ये फ्रंट है, आप देख सकते हो पूरा खाली रोड है। हम यहाँ पर आराम से, कहीं भी आप कार चलाना सीख रहे हो स्टार्टिंग में, तो हमेशा खाली जगह का ही उपयोग करें, भीड़ भाड़ इलाकों को अवॉइड करें, क्योंकि उस टाइम कुछ भी अगर गलत चीज़ें होती हैं तो उस टाइम एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमेशा खाली जगह का ही इस्तेमाल करें। तो ये हमारा फर्स्ट गियर डल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रेक से पैर हटा लेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी स्टेबल है। अगर हम चढ़ाई पर खड़े हैं तो उसका अलग प्रोसीजर होता है, उसको अलग तरीका होता है कंट्रोल करने का, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज आप देख सकते हो सबसे पहले हमने नीचे से ब्रेक से पैर हटा लिया, क्लच मेरा प्रेस है और एक्सीलेटर के पास पैर ले जाते हैं। कुछ लोग एक्सीलेटर पे पैर ऐसे रखते हैं, जो कि गलत तरीका है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा साइड की तरफ ही रखना चाहिए, जैसे मैंने रखा हुआ है इस इंक्लाइंड एंगल पर, ये हमारा इस तरीके से रहना चाहिए। देखा गाइस आपने, ऐसे नहीं, ऐसे। उसके बाद हम जितना रेस देंगे उतना ही हम क्लच छोड़ेंगे, जितना हम रेस देंगे, जैसे मैंने ये रेस दिया और उतना ही मैं क्लच छोड़ूंगा जितना मैं रेस दे रहा हूँ। मतलब ये पैर हमारा दबेगा जितना, ये पैर मतलब हमारा ऊपर उठेगा, ये पैर जितना दबेगा ये इतना उठेगा। तो गाइस सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से, जैसे हमने क्लच धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया, जितना छोड़ रहा हूँ उतना हमारा ये पैर डाउन होना चाहिए, मतलब दबना चाहिए। ज़्यादा रेस नहीं देना, अगर ज़्यादा रेस दोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जैसे मैंने ज़्यादा रेस दे दिया और क्लच एकदम छोड़ दिया, तो ये गाइस आपने देखा गाड़ी बंद हो गई, आप देख सकते हो गाड़ी हमारी बंद हो गई। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, तो उसके लिए हमें फिर से क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है और न्यूट्रल कर लेना है, न्यूट्रल कर लेना है। आपने देखा न्यूट्रल है, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमने करा स्टार्ट, फिर हमने गियर डाला फर्स्ट गियर, उसके बाद फिर हमने ब्रेक से पैर हटाया, एक्सीलेटर पर पैर रखा। अब हम जितना क्लच छोड़ेंगे उतना ब्रेक एक्सीलेटर प्रेस करेंगे। अब आप देखो गाइस मैं प्रेस कर रहा हूँ, गाड़ी हमारी बंद नहीं हो रही है, देख सकते हो गाड़ी हमारी आगे की तरफ चलने लगी है। जैसा कि आप देख सकते हो फर्स्ट गियर में कम से कम 20 के स्पीड तक आप चला सकते हो, और सेकंड गियर में आपको चेंज करना पड़ता है, 20 के ऊपर आप जाके सेकंड गियर डालने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम फर्स्ट गियर में ही ज़्यादातर गाड़ी चलाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारी जो अंदर की गरारीज वगैरह होती हैं वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, होते हैं लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद होते हैं, बट हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। उसके बाद हमने गाड़ी चलाई, उसके बाद जैसे हम चला रहे हैं, जैसे हमने चलाया, अभी हम चला रहे हैं। अब कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, जैसे जो स्टार्टिंग के में जो सीखते हैं गाड़ी चलाना, वो क्या करते हैं आगे से अपना ध्यान हटा देते हैं और इधर की तरफ देखने लग जाते हैं कि सेकंड गियर कैसे डलेगा, इधर की तरफ ऐसे देखते हैं, और यहाँ भी उनका कुछ ध्यान नहीं होता है, जैसे यहाँ पर भी कुछ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान सारा यहाँ फोकस हो जाता है, जो कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा ध्यान यहाँ भी रहना चाहिए, सामने भी रहना चाहिए, नीचे भी रहना चाहिए और ये भी रहना चाहिए। हम अपने माइंड सेट को ऐसा सेट कर लें कि विदाउट इधर देखे हुए हमें गियर डालना आ जाए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस हमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। जब हम इन चीज़ों को सीख लेंगे, आँख बंद कर कर हम डाल सकते हैं विदाउट कोई भी दिक्कत होते हुए इजिली। आप देख सकते हो मैं बिना किसी के इधर देखे हुए आराम से गियर डाल रहा हूँ, कुछ भी रिवर्स करना है, कुछ भी करना है ईजिली इधर देखे हुए। तो गाइज हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप ईजिली कार नहीं चला पाओगे। इसकी हमें प्रैक्टिस कम से कम 100 टाइम्स 150 टाइम करनी पड़ेगी, आँख बंद करके एक मतलब कहते हैं हैबिट बना लेनी हमें इसकी, कि फर्स्ट ऐसा डलेगा सेकेंड ऐसा डलेगा। तो गाइज शुरू करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट गियर डालते हैं। हमने फर्स्ट गियर डाला, क्लच छोड़ा, रेस दिया और उसके बाद सामने देखा। सामने देखने के बाद हम ऐसे सामने देख सकते हैं, हम धीरे 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 चल रहे हैं, उसके बाद एक टर्न आ रहा है, हम गाड़ी को टर्न करते हैं। हमें स्टेयरिंग को मूव करना है धीरे 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 धीरे, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना हमें, खुले अगर जो बंदा सीख रहा है नया उसको धीरे धीरे ही सब कुछ करना पड़ेगा, एकदम से तेज़ी नहीं दिखानी है कार चलाते हुए। अब हमने यहाँ चलाए, सामने देखो आपने देखा खाली जगह है, तो हम गाइस क्या करते हैं अब हम इसमें सेकेंड गियर डालते हैं। ये हमारा यहाँ से सेकेंड गियर डलेगा, इसको हमने यहाँ से यहाँ लाया, न्यूट्रल आया, न्यूट्रल के बाद हमने सेकंड कर दिया पीछे की तरफ। वही हमारा क्लच जितना छोड़ेंगे उतना रेस देना है। आप देख सकते हो गाइस हमारी गाड़ी चल रही है आगे विदाउट कोई दिक्कत हुए।
ये आपको बीप सुनाई दे रही होगी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो ये बीप सुनाई देती है, ये आजकल हर कार में फीचर आ रहा है। हम गाड़ी को ऐसे टर्न करते हैं, स्टेयरिंग को हमें ऐसे मोड़ना है, जिधर हमें मुड़ना उधर हमें स्टेयरिंग की तरफ मूव कर देना है, और अपना एक टाइम पे क्लच से पैर हटा लेंगे। अगर आप क्लच पे पैर ज़्यादा रखोगे तो उससे क्या होगा, हमारी क्लच प्लेट जल्दी घिसेंगी। आप देख सकते हो गाड़ी कंट्रोल करना है, अगर हमें गाड़ी को ब्रेक लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ आपको। पहले एक बार मैं गाड़ी मोड़ लेता हूँ, पीछे बैठेंगे। सो गाइस आप गाड़ी को हम पूरा टर्न करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक कैसे लगाना है हमें। तो गाइस ये सामने रोड देख रहे हो आप चल रही है, मतलब कार चल रही है, रोड तो वहीं पर है। तो गाइस हमें ब्रेक कैसे लगाना है आप देख सकते हो, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, थोड़ा छाया में ले जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे आपको धीरे 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 सीख जाओगे आप भी। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा छाया है, मैं आपको अब दिखाता हूँ कैसे ब्रेक लगाना है। हमें कभी भी ब्रेक लगाना है तो स्पीड और ब्रेक के अकॉर्डिंग ही हमें अप्लाई करना पड़ती है सारी चीज़ें। अगर हमारी स्पीड 6 या 10 से नीचे नीचे है, 20 से नीचे नीचे है, तो हमें उस टाइम क्लच प्रेस कर लेना है। अगर हमारी स्पीड 20 से नीचे नीचे है तो हमें क्लच प्रेस कर लेना है। अगर हमारी 20 से ऊपर है, 40, 60, 70, 100, 120, 130, 140 ऐसी स्पीड है, तो हमें क्लच दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओनली ब्रेक दबाने की ज़रूरत है। हम इजीली ब्रेक दबा के ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितने फिर रेस चाहिए उतना हम रेस दे सकते हैं। तो गाइज अब आगे देखते हैं, हमने जैसे हमने फर्स्ट गियर डाला, उसके बाद हमने चलाया धीरे 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 धीरे, हमारी गाड़ी चलने लगी, रेस हम दे रहे हैं, फिर उतना क्लच भी छोड़ रहे हैं। अब सामने देख सकते हैं एक टर्न आ रहा है राइट हैंड पे, हमें राइट मुड़ना है, और हमारी स्पीड अगर कम है तो हम कैसे गाड़ी को कंट्रोल करेंगे। तो गाइस आप नीचे देखना कैसे मैं कंट्रोल करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लच दबाया, धीरे धीरे ब्रेक प्रेस करा, और उसके बाद राइट टर्न लिया आराम से, और उसके बाद एक्सीलेटर को दबाया और क्लच छोड़ा, और क्लच से पैर हटा लिया। जब आप चलाना सीख जाओगे ढंग से तब आपको इसकी हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर हम सामने चलते हैं, फिर हम डालते हैं थर्ड गियर यहाँ से ऐसे, फिर हमने स्पीड अपनी इंक्रीज करी, ये देख सकते हो खाली रोड है। फिर हमने डाला फोर्थ गियर, गाड़ी और तेज़ी से चल रही है। फिर हमने डाला फिफ्थ गियर, स्पीड के अकॉर्डिंग हमें गियर डालना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि हमने 20 की स्पीड में चल रहा हूँ और पांचवा गियर डाल दिया, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी मैनुअल बुक जरूर पढ़ें, जो उनसे भी कार है आपके पास, पहले गियर पर 20 की स्पीड, दूसरे गियर में 50 से 60 के बीच में, और तीसरा आप 60 से लेकर 100 120 की स्पीड पर, और चौथा आपका आप चौथा आप चला सकते हो 120 से लेकर 100-150 के आसपास, 160 के आसपास, और पांचवा आप चला सकते हो 160 से लेकर आप जितनी मर्जी आपकी स्पीड है टॉप स्पीड आप उतना चला सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू होता है, अगर आप किसको कितनी स्पीड चाहिए उस हिसाब से आप गियर चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट गियर पर ही 40 की स्पीड पर जा सकते हो, बट वो सही नहीं होता है, वो हमें चेंज करना पड़ता है। आप चाहने को सेकंड गियर पर भी 100 की स्पीड में जा सकते हो, थर्ड पे भी जा सकते हो, बट वो चीज़ें सही नहीं रहती है। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही था, मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में आपसे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।